अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव की आखिरी सांस्कृतिक संध्या मशहूर हिमाचली लोक गायक हेमंत शर्मा व गीता भारद्वाज के नाम रही। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के मशहूर लोक गायक हेमंत शर्मा ने एक से बढ़कर एक नाटी गाकर खूब धमाल मचाया। ग्रीष्म उत्सव के समापन समारोह की अंतिम संध्या में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के समर फेस्टिवल में काफी अच्छा नया देखने को मिला, जिसको लोगों ने भी बेहद पसंद किया है। इस तरह के कार्यक्रम हिमाचल की संस्कृति को संजोने और जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। भविष्य में शिमला समर फेस्टिवल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार काम करेगी। वहीं आचार संहिता के कारण इस बार कई चीजें छूट गई थी, जिसे भविष्य में भी किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस बार के समर फेस्टिवल को स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने खूब पसंद किया है। आने वाले समय में देश के साथ साथ विदेशों के सांस्कृतिक दलों को भी कार्यक्रम में शामिल करने की सरकार कोशिश करेगी। मोदी सरकार पार्ट टू में केंद्रीय वित्त राज्य और कॉरपोरेट राज्य मंत्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर का अपने संसदीय क्षेत्र के ऊना पहुंचने पर बेहद शानदार स्वागत किया गया। स्वागत के लिए पंजाब हिमाचल सीमा से लेकर ऊना शहर तक करीब 15 किलोमीटर का भव्य रोड शो भी निकाला गया, जिसमें दर्जनों जगह उनका लोगों ने अभिनंदन किया। इस दौरान एक कार्यक्रम में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन ने भी अपने अध्यक्ष और राज्य मंत्री का विशेष अभिनंदन किया, जबकि हिमाचल व्यापार मंडल ने भी उन्हें सम्मानित किया। रोड शो के बाद ऊना में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अनुराग ठाकुर ने अपनी प्राथमिकताओं के सवाल पर हिमाचल की जयराम सरकार की प्राथमिकता को ही अपनी प्राथमिकता बताया। अनुराग ठाकुर ने अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सवाल पर कहा कि जो हमारे अध्यक्ष कहते हैं वो करते हैं, पहले भी किया है और अब भी करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहे जाने पर तंज कसते हुए कहा कि किसी की जुबान मतदान और मत परिणाम फीका नहीं कर सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय नेता होने की बात कहते हुए भी राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीजेपी की 303 और एनडीए की 353 सीटों का हवाला देते हुए 200 या 250 सीट दिखाने वाले प्रीपोल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ये दर्शाते हैं कि जनता काम करने वाले को ही चुनती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हिमाचल कांग्रेस के पास 5 साल का समय चिंतन मनन के लिए होने का दावा किया और हार का ठीकरा किसी के भी सर फोड़े ये उनका अंदरूनी मामला है। उन्होंने बीजेपी को देश की सेवा के लिए पूर्ण बहुमत दिए जाने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन के लिए भी उनको शुभकामनाएं दी। भारतीय संस्कृति में काफी विभिन्नताएं हैं। प्रत्येक राज्य का रहन सहन अलग है, उनकी बोली भी अलग है, उनकी परंपरागत वेशभूषाएं भी अलग हैं, और यही भारत की खास बात है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति होते हुए भी हम सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये बात सोलन में फिलफोर्ड फोरम द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में साबित होती है, जिसमें मिनी भारत के दर्शन करने को मिले, जिसमें कलाकार अपने अपने राज्यों के परिधानों में परंपरागत वाद्य यंत्रों के थाप पर नाचते नजर आए। उनकी बोली अलग थी, लेकिन सभी एक दूसरे के भाव समझ रहे थे। ये समृद्ध संस्कृति है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, और यही लक्ष्य फिलफोर्ड फोरम का है कि भारत के युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना भागे, बल्कि वे अपनी संस्कृति को पहचाने और भारत की एकता व अखंडता बनी रहे। यहाँ आए कलाकारों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कलाकार यहाँ आए हैं वे सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलन उन्हें अपने घर की तरह लगता है और सभी लोग बेहद मददगार हैं। वहीं सभी कलाकार बेहद गर्व से
अपने अपने राज्य की संस्कृति और प्रस्तुत करने वाले नृत्यों के बारे में अवगत करवाया और उनकी विशेषताएं भी बताई, जिसे देखकर और सुनकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। सोलन के बाजारों में अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बाजारों में व्यापारी ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपना सामान एक तो सड़कों पर भी लगा लेते हैं, यही नहीं फिर उसके आगे फड़ी वालों को भी जगह दे देते हैं। ग्राहकों की संख्या और अतिक्रमण बढ़ने की वजह से बाजार दिन प्रतिदिन छोटे होते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को चलने की जगह तक नहीं मिल रही, इसलिए नगर परिषद ने मुहिम चलाई है कि उनकी गाड़ी बाजार में चक्कर लगाएगी और जिसका भी सामान बाहर दिखाई देगा उसे जब्त करेगी। इस कार्रवाई से सोलन शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए सामान जब्त करने आए नगर परिषद के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के निर्देश हुए हैं कि जिस दुकान का सामान सड़क पर लगा होगा उसे जब्त करना है, इसलिए उन्होंने अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों का सामान जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई लगातार यूं ही जारी रहेगी और जो भी अतिक्रमण करेगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा।